पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम। हुड्डा ने कहा किसानों के खिलाफ मुकदमे वापस ले सरकार, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। हुड्डा ने कहा कि ये आंदोलन किसानों का है और कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। गत दिवस पुलिस द्वारा किसानों पर किए गए लाठीचार्ज को हुड्डा ने पाप बताया। हुड्डा ने कहा सरकार ने किसान पर लाठी चलाकर पाप किया है। जिस सरकार ने किसान पर लाठी बरसाई वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। वहीं हुड्डा ने चेतावनी दी कि कोरोना काल के बाद 10 लाख लोगों को इकट्ठा करके पीपली में ही आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन महामारी के बाद सरकार को दिखाएंगे कि आंदोलन क्या होता है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में C2 फार्मूला MSP पर लागू नहीं होने देंगे। हुड्डा ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों की गोलियां भी खाई हैं और सरकार की लाठियां भी खा सकते हैं, लेकिन किसानों और आढ़तियों के साथ धक्केशाही नहीं होने देंगे। बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों और आढ़तियों से मुलाकात करने पीपली पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों और आढ़तियों से मिलकर उन पर हुए अत्याचार के बारे में बातचीत की। वहीं किसानों और आढ़तियों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी समस्याएं बताई। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।